रियलमी ने बहुत ही कम समय में अपनी एक अच्छी ब्रांड वैल्यू बना लिया। वो इसलिए क्योंकि रियलमी ने अपने ज्यादातर स्मार्टफोन को इंडिया में काफी अच्छी प्राइसिंग के साथ लॉन्च करा। और अब बताया जा रहा है कि रियलमी का एक अपकमिंग स्मार्टफोन रियलमी 6i बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च हो सकता है। मे बी आपको नेक्स्ट वीक रियलमी 6i देखने को मिल जाए। तो अब इस स्मार्टफोन में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे, इसका प्राइस क्या हो सकता है, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो ही दोस्तों, मेरा नाम है गुरमीत, आप देख रहे क्रेडिट टेक, वेलकम टू दिस अमेजिंग वीडियो। एज पर द लीक्स बताया जा रहा है कि जो रियलमी 6s था, जो कि यूरोप में मई के महीने में आई थिंक लॉन्च हुआ था, वो इंडिया में रियलमी 6i के नाम से लॉन्च हो सकता है। और ये बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द यानी कि नेक्स्ट वीक में भी ये स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाए। अगर यहाँ पे स्मार्टफोन के कुछ की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक 6.5 इंच की फुल HD LCD 90 हर्ट्स रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आपको पता है कि जो रियलमी 6 सीरीज है उसमें आपको 90 हर्ट्स रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है, तो रियलमी 6i में भी आपको 90 हर्ट्स रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छी बात है कि आजकल हमें बजट स्मार्टफोन में भी हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिल रही है। अब बात करें यहाँ पे प्रोसेसर की, तो एज पर द लीक्स इस स्मार्टफोन में आपको मीडियाटेक का G90T वाला प्रोसेसर देखने को मिलेगा। अगेन ये सेम प्रोसेसर आपको रियलमी 6 में भी देखने को मिलता है, जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। और यहाँ पे आपको मीडियाटेक की हाइपर इंजन टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे चाहे आप पबजी खेले या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, यहाँ पे गेमिंग में आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो प्राइस के हिसाब से काफी कमाल की परफॉर्मेंस यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। Realme 6i में आपको 464G वाला RAM वेट देखने को मिल जाएगा, जिसकी स्टोरेज को आप एक्सपेंड कर पाएंगे विद डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड, जो कि एक अच्छी बात है। अब बात करते हैं यहाँ पे कैमरास के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और आजकल जो लोग स्मार्टफोन परचेज करते हैं, जो उनकी सबसे पहली प्रेफरेंस होती है, वो होते हैं अच्छे कैमरास। तो Realme 6i में आपको 4 कैमरास देखने को मिलेंगे, जिसका मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का होने वाला है। यहाँ पे आपको 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिल जाएगी, जिससे आप काफी अच्छी सेल्फी क्लिक कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि अच्छे खासे कैमरास देखने को मिल जाएंगे। अब ये परफॉर्म कैसे करते हैं, ये तो तभी पता चलेगा जब ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा। इस स्मार्टफोन में आपको 4300 एमएच की बैटरी देखने को मिलेगी, जो कि सपोर्ट करेगी 30 वोल्ट फास्ट चार्जिंग को। और वहीं अगर बात करें कनेक्टिविटी की, तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5 देखने को मिल जाएगा, टाइप सी होने वाला 3.5 जैक देखने को मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा और आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 10 देखने को मिलने वाला है। तो ये सभी फीचर बताए जा रहे हैं कि आपको रियलमी 6i में देखने को मिल जाएंगे। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे और बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइसिंग के बारे में, कि किस प्राइसिंग पे इंडिया में लॉन्च हो सकता है। तो एज पर द एक्सपेक्टेशन, एज पर द लीक्स, जो ये स्मार्टफोन है ये इंडिया में बताया जा रहा है कि अंडर 15,000 लॉन्च हो सकता है, जो कि आई थिंक कंपीट करेगा पोको M2 प्रो से, जो कि 7 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। बाकी आप ये भी बता देना कि आप पोको M2 प्रो के लिए कितना एक्साइटेड है, क्योंकि वो 7 जुलाई को लॉन्च होगा और उसका प्राइस भी अप्रोक्स रियलमी 6i के आसपास ही होने वाला है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक को शेयर जरूर कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग क्रिएटिव टेक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।